तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल के कुछ बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम कुछ यूज करेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल एंड एक्सेल के ऊपर शुरुआती दौर में कुछ चेंजिंग करने के बाद, कुछ सेटिंग चेंज करने के बाद हमारा काम में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, उन चीजों पे भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल 2019 है मेरे पास, मैं वो वर्जन आपको पढ़ा रहा हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास अगर इससे लोअर वर्जन है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर है, कुछ नए फीचर इसमें आए हुए हैं इसलिए अपडेटेड आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज 2010, 13, 16 सब में लुक सेम है, फीचर्स सेम है, कुछ फीचर्स 2019 में आ गए हैं, तो भी सीखना अच्छी बात है। तो मैं नया वर्कबुक लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि आप लोग अपने जब एक्सेल यूज करते होंगे तो एक चीज देखते होंगे कि आपने यहाँ पे जैन लिखा और जैन को ड्रैग कर दिया, तो जैन फेब मार्च इस तरह से आ जाता है। आपने इसी तरह से अगर किसी का वीक नेम है, जैसे कि संडे है, मंडे है, तो आप संडे लिखते हो, ड्रैग करते हो, आपका संडे मंडे बाकी जो नेम आ जाता है। तो क्या इस तरह की फीचर हमारे पास अदर सर्विसेज में होनी चाहिए? जैसे कि मैं किसी अपने टीम मेंबर का नाम लिखूं, नीचे ड्रैग करूं, तो मेरे बाकी टीम मेंबर का नाम आ जाना चाहिए। मैं अपने किसी एक सिटी का नाम लिखूं और ड्रैग करूं, तो मेरे जो भी सर्विसेबल सिटीज हैं उनका लिस्ट आना चाहिए। मतलब ऐसा लिस्ट जिसको मैं बार बार कहीं एक जगह से कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ या फिर मैनुअल टाइप करता हूँ, बराबर हमेशा मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो हम इसकी जो लिस्ट है वो लिस्ट एक्सेल एप्लीकेशन में क्रिएट कर देंगे, जो भी आपके 5, 7, 10, 20 लिस्ट है उसको आप क्रिएट कर दें। फिर आप कोई भी एक्सेल, चाहे वो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल हो चाहे नया फाइल हो, अगर आप क्रिएट करते हैं, बस आप ड्रैग करेंगे, बाकी डिटेल्स आ जाएगा। तो कैसे होगा? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फाइल मेनू में, सबसे लास्ट वाला जो आता है एक्सेल की ऑप्शन, उस पे आप जाएं और इसमें आपको नीचे दिखेगा एडवांस, एडवांस में आए और यहाँ पे सबसे नीचे आपका आएगा कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। अब इसका यूज जो है आपको सिर्फ इसी लिस्ट को ड्रैग करने में नहीं, आगे चल के मैं आपको सॉर्टिंग में बताऊंगा कि भाई आपको सॉर्ट करना है, ना कि अल्फाबेटिक सॉर्ट नहीं करना है, आपको अपने सिक्वेंस के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पर अपने लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू लिस्ट पे जाइए, अपने लिस्ट एक एक करके टाइप कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है पूजा नीरज, एंटर प्रेस करके टाइप कीजिए। अगर किसी सिस्टम में टाइप किया हुआ किसी एक्सेल फाइल में है तो यहाँ इंपोर्ट पे सेलेक्ट करके आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो चेंजिंग हो रहा है, ये जो ऐड हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर फाइल में नहीं, मैंने बुक वन पे नहीं, ये पूरी एप्लीकेशन में एडिट हो रहा है, क्योंकि जो हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं एक्सेल की, वो पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज होती है। उसी तरीके से हो सकता है कि आपके पास कोई मेनू बार ना हो। सर एडिट कस्टम लिस्ट समझ में आ गया आपको कि नहीं? राज जी, दीपेंद्र जी एंड खुशबू जी, आ गया सर, आ गया। ये यूजफुल है क्योंकि हमें इसको बराबर इस्तेमाल करना होता है, खासकर मैं तो काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। उसमें आगे बढ़ते हैं कि आप जो आपके पास जो मेनू बार है, हो सकता है कि कोई मेनू बार आपके सिस्टम में ना हो, जैसे कि डेवलपर टैब मेरे पास है, आपके पास नहीं है, तो मुझे जाना होगा कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे आपके बहुत सारे मेनू बार है, जिसको आप देख रखना चाहे उसको रख सकते हैं, जिसको हटाना चाहे उसको आप हटा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो अपने लिए नया मेनू बार। जैसे होता है क्या है कि आप लोग ऑफिस में काम करते हैं तो आपके पास आप जो है डेली बेसिस में जो मतलब कि वही 50-60 ऑप्शन ही यूज करते हैं, लेकिन वो 50-60 ऑप्शन जो है अलग अलग मेनू बार में है, तो आपको अलग अलग मेनू बार में नेविगेट करना पड़ जाता है। तो आप यहाँ से न्यू टैब पे जाएं, टैब को क्रिएट करें और अपने हिसाब से जो टैब ऐड करना है वो टैब ऐड कर लें। तो क्या होगा, आपको एक ही मेनू बार पे रहना पड़ेगा। आप क्रिएट करके देखिएगा क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता,
आप लोग अपने सिस्टम में क्रिएट करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कॉल कर लीजिएगा। तो ये मेनू बार का होता है। फिर आपके पास एक आता है क्विक एक्सेस टूल बार, देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा सेव सेव एज वगैरह, इसकी इसमें भी आप जैसे मैंने ऑल बॉर्डर ऐड किया हुआ, यहाँ से सर्च किया ऑल बॉर्डर ऐड कर दिया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इस चीज को जानिए। क्या है ना सर कि आपके पास जो मेनू बार में है उसमें सारे कमांड नहीं है। अगर आप इसको करें ऑल कमांड नॉट इन रिवन, आप यहाँ दिख रहा है ना, ये सारे कमांड आपके एक्सेल में डायरेक्ट नहीं है। तो ये सारे कमांड में जो आपकी यूजफुल है उसको आप चाहे तो एक नया टैब बना के डाल सकते हैं या ऊपर डाल सकते हैं, या ऊपर डालने की एक और तरीका है शॉर्टकट क्रिएट करने का। जैसे कि हमने एक एरिया को सिलेक्ट किया और मुझे इसको बॉर्डर करना है, तो मुझे बराबर इस बॉर्डर में जाके फिर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना होता है। तो हम सीधे ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करते देखिए इसके ऊपर फोर आ गया ना, बस अपना फोर प्रेस कीजिएगा पूरा आपका बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह के शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके मोस्ट यूज्ड कमांड है उस कमांड का शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अब शॉर्टकट से बारी आई तो आप लोगों के पास जिज्ञासा होगा कि मुझे एक्सेल का कंप्लीट शॉर्टकट्स लिस्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बाद इसके डिस्कस करते हैं कि शॉर्टकट चाहिए क्यों। देखिए क्या है, हर एक ऑप्शन को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला कि हम इस पे मेनू बार जैसे कॉपी है तो इस पे क्लिक किया एंड कॉपी कर लिया, ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी कर सकते हैं। कंट्रोल सी क्या हुआ, ये हमारा शॉर्टकट हुआ, कंट्रोल सी हमारा शॉर्टकट हुआ। तो क्या होता है कि ऐसा सर्वे में पाया गया है कि अगर आप कीबोर्ड का शॉर्टकट ज्यादा यूज करते हैं, माउस कम यूज करते हैं, तो आपका स्पीड नॉर्मल माउस की अपेक्षा 25-30% बढ़ जाता है, और इसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। या दूसरा चीज, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कीबोर्ड से खटाखट काम कर रहे हैं, माउस बिल्कुल नहीं पकड़ रहे हैं, तो जो इंटरव्यूअर है उसके सामने इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ इसके पास जो है एक्सपीरियंस है, क्योंकि शॉर्टकट जो है रट्टा मारने से कमांड नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस से होता है। तो शॉर्टकट लिस्ट मिलेगा कहाँ पे, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही पे दिख रहा होगा ये जो निशान है। या फिर आपके पास अगर 2007 वगैरह है तो F4 प्रेस कर लें, F4 प्रेस करके एक्सेल हेल्प खोल लें, इसमें आप जो है सर्च करें शॉर्ट कट, गेट ऑन हेल्प ऑन शॉर्टकट, यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट एक्सेल फॉर विंडोज। ये आपके एक्सेल के शॉर्टकट लिस्ट है। तो जो भी एक्सेल के शॉर्टकट लिस्ट है वो आपको यहां दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल कर सकते, इसको कॉपी करके आप एक बार देख लीजिएगा। निकालने का तरीका सिंपल है, हेल्प में जाके शॉर्टकट सर्च कीजिए, एक्सेल शॉर्टकट का लिस्ट आएगा उस पर क्लिक कीजिए और ये आपके सामने सारे शॉर्टकट एक्सेल से रिलेटेड आपको दिख जाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पे सारे शॉर्टकट अवेलेबल है, जी नहीं। देखिए हर ऑप्शन के लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है या डायरेक्ट शॉर्टकट अवेलेबल नहीं। जैसे कि मुझे कलर अप्लाई करना है तो कलर अप्लाई करने के लिए आपको यहीं पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये चीज कीबोर्ड से करना चाहता हूँ। हालांकि फॉर्मेट सेल ओपन करने का तो शॉर्टकट है हमारे पास कि हम फॉर्मेट सेल ओपन कर ले, तो फॉर्मेट सेल ओपन करने का हमारे पास लेकिन मुझे देखिए फॉर्मेट सेल के लिए हमने कर लिया, हमने कंट्रोल के साथ जो है A1 को प्रेस किया तो हमारा से आ गया, ये लिस्ट में देखिएगा मिल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कलर करने के लिए शॉर्टकट तो नहीं ना है। तो अगर आप माउस के बजाय कीबोर्ड से अगर आप जाना चाहते हैं एक्सेल मेनू बार में तो आप जा सकते हैं। कैसे, जस्ट आपको ऑल्ट की प्रेस करना है, जैसे आप अपने सिस्टम का ऑल्ट की प्रेस करते हैं, जैसे आप सिस्टम का ऑल्ट की प्रेस करते हैं आप देखिए ऊपर मेनू बार आपका एक्टिवेट हो गया होगा। ठीक है सर,
तो ये आपके शॉर्टकट्स है। जब मुझे होम मेनू में जाना है तो मैं एच पे प्रेस करूंगा, होम मेनू के सारे आ जाएंगे। फिर मुझे कलर अप्लाई करना है तो एच। तो इस तरह से आगे चल के आपको याद हो जाएगा कि क्या करना है। जैसे बॉर्डर अप्लाई करना है तो अल्ट एच, होम में हो गया बॉर्डर, और बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर। तो अगली बार आपको अप्लाई करना होगा तो जस्ट ये रिमेम्बर हो जाएगा आपके पास, अल्ट एच, अल्ट एच बी ए। तो ये शॉर्टकट था। बाकी शॉर्टकट देख लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट पे मेरी कमांड नहीं है, कमांड ना होने का रीजन है क्योंकि मैं ब्रावर जो है माउस से ही काम करता हूँ। क्योंकि अगर मैं ट्रेनिंग प्रोफाइल में हूँ, अगर मैंने सिकोर शॉर्टकट के लग जाए कहीं और काम किए तो दिक्कत हो जाएगा। शॉर्टकट के बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमारा है यहाँ पे फाइल मेनू बार को एक बार देख लेते हैं, कुछ बेसिक चीज में हो। इन्फो मतलब कि फाइल की आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो चलिए एक चीज और हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास किसी ने कोई फाइल भेजा, मैं जानना चाहता हूँ उसने किसने बनाया। तो आप कर्सर रखते ही आपको क्या हो जाएगा, ऑथर नेम दिख जाएगा। ऑथर नेम सुजीत कुमार सिंह दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस फाइल से, यहाँ पे देखिए वन नाम का फाइल है, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो मान लीजिए जैसे कि डेटा, डेटा नाम की आपके पास 10 फाइल है। आप जब तक उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा उसकी फाइल के अंदर में क्या डेटा है। तो अभी आप बनाया आपने फाइल, फाइल को डेटा वाला नाम सेव कर दिया, 6 महीने बाद आपको भूल जाओगे कि इसके अंदर आपने स्टोर क्या किया था, जब तक आप ओपन ना करो तब तक। बड़ी बड़ी फाइलें हो तो ओपन करने में काफी टाइम लगती है। तो आप फाइल की प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो ताकि कर्सर जाए और जाते ही दिख जाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए कर्सर गया तो दिख गया कि स्ट्रेंड डेटा फाइल, ज्वाइनिंग डेटा एंड डेमो क्लासेस फाइल। तो मुझे इस फाइल को खोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता चल गया कि ये स्ट्रेंड डेटा फाइल है जिसमें ज्वाइनिंग एंड डेमो क्लासेस का रिकॉर्ड है। उसी तरह से आप, आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है जिसको लगता है कि इन फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इस पर राइट क्लिक करें और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। और फिर इसमें आप यहाँ डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ आप अपने हिसाब से डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि गूगल कॉन्टैक्ट लिस्ट, सब्जेक्ट टाइटल हो गया। यहाँ पे और कुछ लिखना चाहते हैं जैसे मैंने लिख दिया डाउन लोड फ्रॉम गूगल आईडी। इसमें एक टैग होता है, टैग जो होता है वो सर्चिंग के लिए होता है। क्या है ना कि कल के डेट में मान लीजिए इस फाइल को ढूंढना हुआ तो आप फाइल नेम से ढूंढेंगे ना, लेकिन हो सकता है कि फाइल नेम भूल जाए। कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 महीना पहले कोई डेटा बनाया है और उसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन डेटा को और भी कुछ कहते हैं। जैसे कि कई सारे बोलते हैं ना, जैसे गूगल पे जाते हैं आप एक्सेल ट्रेनिंग सर्च कर सकते हैं, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सर्च कर सकते हैं, या आप एक्सेल कोर सर्च कर सकते हैं, या आप MIS सर्च कर सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे कीवर्ड्स बना सकते हैं इस फाइल को सर्चिंग में हेल्प करने के लिए। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे डेटा, यहाँ पे दे दिया एस डेटा, मैं इसको एस डेटा के नाम से भी जानता हूँ। फिर मैं दे देता हूँ ईमेल MKT, ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ और जस्ट ओके करता हूँ। और जैसे मैंने इसको एक बार रिफ्रेश किया, जैसे इस पे कर्सर मेरा जाएगा, अब देखिए गूगल अकाउंट लिस्ट आ गया, डाउनलोड फ्रॉम गूगल दिख गया। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करने जाऊँ, मान लीजिए कि मुझे अगर कल के डेट में इसको सर्च करना है तो मैं यहाँ पे देखिए क्या लिखूंगा, MKT। ताला फाइल का नाम MKT नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 आ गया। क्यों? क्योंकि इसके टैग में मैंने MKT लिख रखा था। तो आपके कोई फाइल ऐसा है जिसको फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ सकती है लेकिन आप इसका नाम भूल सकते हैं, तो आप इसके 2-3 नाम और सेट कर दें। तो इस तरह, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है दीपेंद्र जी, समझ में आया आपको? सर कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आज बात आई ऑथर नेम की। थोड़ा सा पहले, इससे पहले मैं बात की थी कि ऑथर नेम जो है वो होता है कि इस फाइल को किसने बनाया है ये पता चलता है। तो ये ऑथर नेम बाय डिफॉल्ट पिक करता है आपकी यूजर आईडी जो आपका होता है ना, जिससे आप विंडो लॉगिन करते हैं। तो अगर अपना कंप्यूटर है तो आप अपने हिसाब से नाम डालोगे, लेकिन अगर सिस्टम ऑफिस की कंप्यूटर है तो वहां पे आपको एडमिन 123 ऐसे नाम होगा, जो कि थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो आप अपने एक्सेल फाइल को खोलें और जहां पे ऑप्शन जहां पे आपने सेट किए थे उसी ऑप्शन में जाएं और जनरल में, ऊपर ही जनरल है उसी में आपको यहां दिख जाएगा आईपीटी एक्सेल स्कूल, यहां पे यूजर नेम। तो आप अपने हिसाब से यहां नेम डाल सकते हो। तो यहां पे अगर नाम डाल देते हो तो इसके बाद जितने भी फाइलें बनेगी सारे का ऑथर यही होगा। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फाइल का चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना ऑथर नेम ऐड कर सकते हैं। क्या आपने इस फाइल पे भी क्लिक किया है तो आप इसके ऑथर नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन थोड़ी सी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी मेंटेन करने में, इसलिए मैंने चीज आपको बता दी है। दूसरी, जब आप सेव करते हैं, जब कोई नई फाइल क्रिएट किए, आपने सेव किया, आपने कंट्रोल एस प्रेस किया और आप ब्राउज पे गए और आप यहाँ पे फाइल नेम देते हैं, यहां पे आता है फाइल का लोकेशन। फाइल का टाइप तो आप एक्सेल वर्कबुक लेंगे जो आपकी नॉर्मल फाइल होगी, तो एक्सेल माइक्रो एनेबल वर्कबुक कब लेंगे जब इसमें माइक्रो की फाइल होगी तो। लेकिन इसमें जो है आपका जो डिफॉल्ट लोकेशन माई डॉक्यूमेंट आता है। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम होती है काम करते समय, क्योंकि हम अपने ऑफिस में अपनी फाइल को हमेशा माई डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करते। हम अपनी ऑफिशियल फाइल को माई डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करते। अब इसका ना करने का रीजन क्या है, अब इस चीज को जान लीजिए। क्योंकि जब आपका विंडो क्रैश होगा तो आपका सी ड्राइव उड़ जाएगा, तो आपका डेस्कटॉप और आपका सी ड्राइव में डली हुई जितनी फाइलें हैं, डेस्कटॉप माइंडेड माई डॉक्यूमेंट वगैरह सी ड्राइव में होता है तो वो आपका उड़ जाएगा। तो उस केस में हम फाइल को किसी और लोकेशन में रखते हैं। ये हर कोई का में होता है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से लोकेशन चूज करते हैं, लेकिन मोस्टली फाइल एक ही लोकेशन में होती है। तो हर बार मुझे, मान लीजिए मैं दिन में 100 फाइलें बनाता हूँ, 100 फाइलें में से 80 फाइलें एक ही लोकेशन में सेव करता हूँ, बाकी के 20 फाइल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डालते हैं, तो 80 बार मुझे अपना चेंज करना पड़ता है पाथ। तो आप इसका डिफॉल्ट पाथ भी सेट कर दे ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सेल ऑप्शन में हम आएंगे और यहाँ सेव पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना पाथ को डाल देंगे, जो भी पाथ चाहिए वो पाथ आप यहाँ डाल देंगे। अब पाथ कैसे लाएंगे आप, तो जिस फोल्डर में आपको हमेशा फाइल सेव करनी है पहले उस फोल्डर में जाएं और फिर उस फोल्डर के यहाँ से फाइल यहाँ एड्रेस बार में क्लिक करें, कॉपी करें और उस फोल्डर को लाके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो आप जब भी फाइल आप सेव करेंगे तो आपका फाइल डी ड्राइव की वीवीए में जाएगा। इसकी सेटिंग भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें नॉर्मल सेटिंग है कि आप एंटर मारते हैं तो कर्सर डाउन आता है तो आपको लेफ्ट राइट ले जाना है, तो भी आपको एक्सेल ऑप्शन में एडवांस में चीजें छोटी मोटी होती है, जैसे कि सीट का नाम आपका है या कोई ड्रैग करने, जैसे कि ड्रैग करते हैं आप तो ड्रैग पॉइंट को रोकना है, तो ड्रैग पॉइंट को रोकना है मतलब कि ड्रैगिंग क्लिक करके ड्रैग ना कर सके कोई, तो यहाँ पे अनेबल फील हैंडल जो आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको अनचेक कर दीजिए। या कभी ऐसा हुआ कि आप टाइप करते हैं 100 तो होता है 1, आप टाइप करते हैं 500 होता है 5, आप टाइप करते हैं 50 तो होता है 0.50, मतलब कि 100 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब है कि इस पे क्लिक होगा। कर्सर डाउन जा रहा है तो इसको आप लेफ्ट राइट डाउन रोक सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से इसमें और भी सेटिंग्स है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर कोई सेटिंग आपको रिक्वायर लगी और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको समझा देंगे।
ऐसे भी सेटिंग तो डिफॉल्ट होता है, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कोई आपको चेंज करके भेज दिया तो उसको आप नॉर्मल कर सके। जैसे कि किसी ने आपको भेज दिया जिसमें सीट टैब है ही नहीं, या आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो बार होता है वो है ही नहीं, यहाँ से अनचेक कर दीजिए तो ये सारे चीज आपको नहीं दिखेंगे। देखिए ये आपका सीट का नाम हट गया, ये आपका जो वर्टिकल जो यहाँ डेटा को नीचे ऊपर ड्रैग करते हैं जैसे कॉलम आपका डेटा ऊपर नीचे होता है वो गायब हो गया। तो किसी ने ऐसी फाइल भेजी और गायब है तो आप इस पे क्लिक करें, एक्सेल ऑप्शन पे जाएं और यहाँ एडवांस में जाके अपनी उस सेटिंग को वापस चेंज कर दें। तो ये सब चीजें अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि इतना डिटेल में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना यूजुअल नहीं होता है चीजें, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इसमें। क्लियर है सर? अब बात आती है टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट क्या होता है चीज को जानिए। जैसे कि आपको बनाया बनाया कोई फॉर्मेट मिल जाए, बस आप अपना डेटा और अपने डिटेल को चेंज कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक इनवाइस क्रिएट करना है, तो पूरी इनवाइस की फॉर्मेट आप बनाने बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो आप इसकी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप फाइल मेनू बार में जाएं और यहाँ न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे, आप खुद ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी भी है, या फिर आप सर्च करें, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बिल, लेकिन इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइड से कनेक्टेड होता है। अब इसमें जिस तरह की इनवाइसेज आपको चाहिए, या पूरा सैंपल दिया हुआ है, जो आपको ठीक लगे बस उस पर क्लिक कीजिए एंड क्रिएट। ये पूरा बनाया फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसकी डेटा को चेंज करना है, जैसे कि कंपनी नेम, योर कंपनी नेम मैंने दे दिया आईपीटी एक्सेल स्कूल, योर कंपनी स्लोगन कोई है तो आप यहाँ पे कंपनी का स्लोगन डाल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, पूरी फॉर्मेटिंग तो नहीं चेंज करने की जरूरत पड़ी ना, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डेटा चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए जो है हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। पहली तो प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी, मान लीजिए राज जी आपको कोई बजट रिपोर्ट बनानी है। अब इससे पहले आपने कभी बजट रिपोर्ट बनाई नहीं है, अब ना ही बजट रिपोर्ट का आइडिया है, तो जनरली आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, तो गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी ढूंढने में, कि आर्टिकल मिलेगा, पेज मिलेगा, इमेज मिलेगा, एक्सेल फाइल मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप यहीं पे ही क्यों ना बजट सर्च कर ले, ये देखिए इतने सारे आपके बजट रिपोर्ट्स मिल गए, कि पर्सनल मंथली बजट, मंथली कंपनी बजट, हाउसहोल्ड बजट, मंथली फूड बजट, बहुत सारे बजट्स हैं, बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। अब आपको इसमें जो आपको जरूरत पड़ता है, जैसा आपको चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है या फिर उसके आसपास है, उसको डाउनलोड कीजिए, सम चेंजिंग कीजिए। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरह के बजट रिपोर्ट जो होता है इस तरह का होता है, या इस तरह से मिलता जुलता होता है, तो आपको क्रिएट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। कि अगर आपने कोई रिपोर्ट देखा ही नहीं है तो कैसा क्रिएट करेंगे? आप कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा और ढंग का होना चाहिए ना सर। चलिए, ये तो हो गई आपकी नई टेम्पलेट की बात। अब बात हम करते हैं कि अगर डेली बेसिस में आप लोग रिपोर्ट बनाते होंगे तो क्या करते होंगे कि जो आपकी प्रीवियस रिपोर्ट होती होगी उसको आप लोग सेव एज कर देते हैं और फिर उस पर अपना नया डेट और नया टाइटल डाल के फिर नई रिपोर्ट बनाते हैं। तो हर दिन आप क्या करते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट को सेव एज करते हैं आज के डेट में, देन फिर उसको अपना डेटा को क्लीन करते हैं,
देन उसको चेंज करते हैं। तो क्यों ना आप रिपोर्ट को सेव एज कर एक नया पीडीएफ नया रिपोर्ट सैंपल बना लें। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, बार बार क्या आता है सब प्रोडक्ट की चेंज करना हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये रिपोर्ट है मुझे, तो इस रिपोर्ट में क्या है कि हमें बाकी सबसे तो सेम होता है या फिर कोई और रिपोर्ट, ये भी नहीं है, ये रिपोर्ट बाकी सब चीज चेंज होता है, बस इसके डेटा चेंज करने पड़ते हैं, इसके डेटा चेंज करने पड़ते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम होता है। या फिर और भी रिपोर्ट्स होंगे, एक मिनट बताता हूँ। सर हेलो, कुछ पूछ रहे थे सर? मैं ये पूछ रहा था लोकल डिस्क, जैसे नहीं बार बार लोकल डिस्क एक हार्ड लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क डी लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ रहा है सर क्या है ये? चलो वो तो बाद में क्वेश्चन। कहाँ पे सिस्टम में? हाँ सर, जैसे मैं इसी मेरे को तो नॉलेज के लिए पूछना था, जैसे आया था ना पहले बीच बीच में आ रहा था लोकल डिस्क सी लोकल डिस्क डी ऐसे करके लिखा था नीचे, तो कंप्यूटर के ड्राइव होता है ना। अच्छा अच्छा सर, तो जैसे ये रिपोर्ट है हमारा, अब रिपोर्ट में क्या है कि बाकी सब चीज सेम होता है, हर बार क्या होता है इसकी फिगर चेंज होते हैं, ठीक है ना? तो आपको क्या करना होता है कि इस फाइल को सेव एज करना होता है नया नाम से, फिर पुरानी जितने भी डेटा है उस डेटा को डिलीट करना होता है, फिर एक नया डेटा बनाना पड़ता है, डालना पड़ता है, ठीक है, करेंट डेटा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि हम कुछ ऐसा करें कि मुझे हमेशा ब्लैंक ही मिले, हमेशा मुझे फिल करने की जरूरत ना पड़े, हमेशा मुझे ब्लैंक मिले, ठीक है सर? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि इसको पहले तो इसको डिलीट विलीट कर देता हूं मैं सारा, डिलीट कर दिया, और फिर मैं इसको जो है जस्ट सेव एज करूंगा। सेव एज करूंगा कहां पे? कहीं भी कर देता हूं, डी ड्राइव में कर देता हूं। और यहां एक्सेल वर्कबुक के जगह पे मैं यहां लूंगा एक्सेल टेम्पलेट, और यहां पे टेम्पलेट लेने के बाद मैं लोकेशन डालता हूं, ऐसा पे टीएमपी, अच्छा यहां पे कर देता हूं रिपोर्ट, रिपोर्ट के नाम से सेव करता हूं, ठीक है, रिपोर्ट के नाम से हमारा डेटा सेव हो गया। अब नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा, आप अगर देखेंगे डी ड्राइव में गया मैं इसको रिपोर्ट को, देखिए पहले तो आइकन चेंज हो गया, अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये रिपोर्ट वन ओपन होगा, रिपोर्ट वन होगा, ठीक है, मतलब कि अब यहाँ पे कोई भी डेटा अगर मैं डालूंगा
मुझे क्या करना है कि अब डेटा क्लीन करने की तो जरूरत नहीं है ना, मुझे बस डेटा अब डालना है। तो जो क्लीन करने में टाइम लगता है वो टाइम तो हमारा बच गया। और दूसरा आपका रिपोर्ट वन हुआ, अब इसको जैसे सेव करेंगे तो सेव है जो नया नाम से, आपका जो हमेशा जब भी आप फाइल खोलेंगे आपको ब्लैंक ही मिलेगा, कौन सा रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट क्या है टेम्पलेट। तो आप भी अपने अपने जो आपके जो बने बनाए रिपोर्ट्स हैं उसको जो है टेम्पलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल है कन्वर्ट करना, राइट सर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज इस पे आगे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम कल की क्लास में हम बात करेंगे होम मेनू की, और हम एडवांस टेस्ट स्पेशल्स और जो कैलकुलेशन वगैरह है उन पे डिस्कस करेंगे अगली क्लास, राइट सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय, गुड नाइट।